गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर सिक्स्थ चैप्टर ऑफ साइंस विच इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ क्लास सेवेंथ. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल चेंज तक करवाया था. हमें आज करनी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या विशेषताएं होती है केमिकल चेंज की. तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. कि केमिकल चेंज है जो हमारा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. तो लिखेंगे हम ड्यूरिंग केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. सेकेंड पॉइंट इज केमिकल चेंजेस आर परमानेंट. कि जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंट चेंज होता है. केमिकल चेंज आर परमानेंट. ठीक है, उसके बाद दस ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. दस केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड by simple physical method. Third point is relatively a large amount of energy is either absorbed or evolved during a chemical change. So, looking here, a large amount of energy is either absorbed or evolved during a केमिकल चेंज. ठीक है, तो ये होगी हमारी जो केमिकल चेंज था उसकी करैक्टरिस्टिक्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज. कि इम्पोर्टेंस क्या होती है केमिकल चेंज की. तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. एज दे गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. क्योंकि वो क्या करते हैं, नए सब्सटेंसेस बनाते हैं. तो इसी वजह से हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, दीज आर द बेसिस ऑफ एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ. जो हमारी डेली लाइफ है उसमें क्या होती है, एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जो इन पे बेस होती है. ब्रीथिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्या बोला गया है कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग मीन्स हम सांस ले पा रहे हैं, या फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है जो फूड, वो भी क्या है, केमिकल चेंज के बेस पे है, होता है. डाइजेशन मीन्स जो फूड पचता है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन या फोटोसिंथेसिस,
ये सारी की सारी जो लाइफ प्रोसेस है किसके एग्जांपल्स हैं हमारे केमिकल चेंज के। ओके, फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द रिजल्टेड फ्रॉम केमिकल चेंजेस। जो फिजिकल प्रोसेस है जैसे कुकिंग, हम कुक कर रहे फूड को, ट्रांसपोर्टेशन या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किसके रिजल्ट है? सब केमिकल चेंज के। ओके स्टूडेंट्स, इंडीड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स और वेरी न्यू मटेरियल फ्रॉम मेटल्स टू मेडिसिन इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। कि जितने भी जो नए नए क्या आ रहे हैं, नई नई स्टडी की जा रही है हर एक मटेरियल, मेटल से लेके मेडिसिन तक, सब किस पे बेस है? केमिकल चेंज। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो नया टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज के बाद, वो है डिफरेंस। कि हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया था फिजिकल चेंज, फिर हमने पढ़ा था केमिकल चेंज। अब इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। और ये आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस पढ़ रहे हैं किसके बीच में? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है ये, अच्छे से बिल्कुल। तो आपके बुक में पेज नंबर 88 पे डिफरेंस दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल चेंज में, इन ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, शेप एटसेट्रा आर चेंज। इसमें क्या होता है, इन ए फिजिकल चेंज होमा ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर फिजिकल स्टेट शेप एटसेट्रा आर चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड, इसी में लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट फिजिकल चेंज में। फर्स्ट पॉइंट केमिकल चेंज में क्या आएगा, इन ए केमिकल चेंज, इन ए केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस अंडरगो चेंज, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस undergo unchanged undergo changed
ये हो गए हमारे एक एक पॉइंट फिजिकल और केमिकल चेंज में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जो हमारा फिजिकल चेंज में, वो है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट इन द केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड। एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा फिजिकल चेंज में, जो ओरिजिनल फॉर्म है सब्सटेंस की उसको हम ऑब्टेंड कर सकते हैं इजीली बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस can be obtained easily by simple physical methods। But in the chemical change kya aayega, the original substance cannot be obtained by simple physical method, the original substance cannot be obtained बाय, बाकी ये सेम ऐसे लिखना है, सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। तो ये कितने कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स और हैं, 5 पॉइंट्स हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों आपकी बुक में, पढ़ लो आप। इतने क्या दिया गया है, फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। फोर्थ पॉइंट क्या है फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। कौन सा चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है फिजिकल चेंज। इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, फिर भी लिख लेते हैं हम। इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड, डन करना है तो कर लेना, नहीं तो इतना भी काफी है। इट कैन बी इजिली reversed by reversing the condition। physical change को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, सिंपल जो भी हमारी conditions है उनको रिवर्स करके, ठीक है, by reversing the conditions। बट फिजिकल सॉरी केमिकल चेंज में फोर्थ पॉइंट क्या है, केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। केमिकल change
इज ए परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज एक कैसा चेंज होता है? परमानेंट चेंज। इसमें आ जाएगा इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय जस्ट रिसीविंग द कंडीशंस। इसको हम क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते कंडीशंस को रिवर्स करके। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय जस्ट रिवर्सिंग द कंडीशंस। ठीक है, ये हो गए हमारे फोर पॉइंट दोनों में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, फिजिकल चेंज में एनर्जी इज नाइदर इवॉल्व नॉर एब्सॉर्ब्ड। एनर्जी इज नाइदर इवॉल्व नॉर एब्सॉर्ब। एनर्जी ना तो लगती है और ना ही इसमें एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, और हमारा जो केमिकल चेंज इसमें फिफ्थ पॉइंट है, एनर्जी इज इधर इवॉल्व और एब्सॉर्ब। एनर्जी इज इधर एब्सॉर्ब और इवॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बच्चों डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपने कर लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होती है? जंग लगना। ठीक है, तो लोहे को जंग लगना। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन का? रस्टिंग ऑफ आयरन इज लोहे को जंग लगना। तो जो लोहे को जंग लगता है वो क्या होता है? टॉपिक है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, हमने ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट कर देते हैं किसी भी ओपन स्पेस में कुछ टाइम के लिए, तो वो कवर हो जाता है एक ब्राउन लेयर से। तो जो वो डिपोजिशन है ब्राउन लेयर की आयरन पे, उसको बोला जाता है रस्टिंग। क्या बोला जाता है? रस्टिंग। तो रस्टिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? डिपोजिशन ऑफ ब्राउन लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। उसको क्या बोला जाता है? रस्टिंग। ठीक है, अगर किसी को बुक से एलर्जी होती तो आप राइट डाउन कर सकती है नोटबुक के अंदर। ओके, इन रस्टिंग इन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। रस्टिंग के अंदर क्या होता है बच्चों? नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है आयरन का और रस्ट का, वो कम्प्लीटली क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। रस्ट क्या है? एक आयरन ऑक्साइड है। आयरन क्या है? एक ग्रे ब्लैक मटेरियल है, जबकि रस्ट क्या है? रेडिश ब्राउन है कलर में। क्या बोला गया है कि जो रस्टिंग है, रस्टिंग में इन रस्टिंग ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। रस्टिंग में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। रस्टिंग में एक नया सब्सटेंस बनता है। रस्ट क्या है? एक आयरन ऑक्साइड है। तो लिखेंगे हम रस्ट इज आयरन ऑक्साइड।
फर्स्ट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन क्या होता है? आयरन इज ए ब्लैक ग्रे मटेरियल। आयरन इज ए ब्लैक ग्रे मटेरियल। व्हाइल रस्ट इज रेडिश ब्राउन। जबकि जो रस्ट होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर में। व्हाइल रस्ट इज रेडिश ब्राउन। ओके, उसके बाद तो रस्टिंग है हमारी एक कौन सी केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज। तो रस्टिंग क्या हो गई? एक केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज हो गया। दस रस्टिंग इज ए केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। क्या होगी हमारी जो रस्टिंग है वो एक केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल है, मींस हम इसको क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, जस्ट कंडीशन को रिवर्स करके। ओके बच्चों, उसके बाद क्या दिया गया है आपको? दी गई है एक रिएक्शन बुक के अंदर, ये आपका हो गया होगा। तो जो रिएक्शन दी गई है वो क्या है? इसमें दिया गया है आयरन, सबसे पहले है आयरन। आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe, F कैपिटल और E स्मॉल, ठीक है। उसके बाद है वॉटर, आयरन प्लस वॉटर। वॉटर का फॉर्मूला पता ही है सबको, H2O। इससे क्या बनता है? ऑक्सीजन प्लस आयरन ऑक्साइड। एक तो बनती है हमारी ऑक्सीजन प्लस में क्या बनता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है। और ऑक्सीजन प्लस आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3 रस्ट। आयरन ऑक्साइड क्या है हमारे? रस्ट है। और Fe2O3 इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो क्या बोला गया है? When articles made of iron come in contact with moisture present in air, iron is converted into iron oxide, that is rust induced occurs. As all the iron slowly turns into rust, this is the corrosion of iron. Corrosion का मीनिंग होता है संक्षारण। क्या मीनिंग होता है आपकी बुक में लिख सकते हो? Corrosion. इसका मीनिंग होता है, ऐसे जंग भी बोल सकते हैं, लेकिन संक्षारण जंग भी बोल सकते हो। ओके, तो जब आर्टिकल्स जो मेड होती हैं आयरन के, उनको रखा जाता है कॉन्टैक्ट में, इसके मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है एयर के अंदर, तो आयरन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आयरन ऑक्साइड के अंदर। ऐसे ही ये बात की गई है इस सेक्शन में कि आयरन को जब वाटर के साथ रखा जाता है एयर के अंदर, तो उससे क्या फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और इसी को बोला क्या जाता है? कोरोजन ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है बच्चों? कोरोजियन ऑफ आयरन, ठीक है, समझ आ गया। आगे दिया गया है द आयरन आर्टिकल बिकम्स वीक ड्यू टू इट। जब क्या हो जाता है? आयरन को जंग लग जाता है, तो उससे जो आयरन का मटेरियल है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो जब वो वीक हो जाता है, रस्टिंग लग जाती है, मीन्स रस्ट की जो प्रोसेस है, रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो हो जाती है वहां पे। रस्टिंग कॉजेज ए ह्यूज मॉनेटरी लॉस टू द पीपल एंड नेशन। तो जो रस्टिंग की हो रही है, इससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है
किसको नुकसान हो रहा है? पीपल को और नेशन को। किसको लॉस हो रहा है? पीपल को, लोगों को और नेशन को। ठीक है, ह्यूज मॉनेटरी, ह्यूज मॉनेटरी मीन्स आर्थिक या फिर मुद्रा भी बोल सकते हो, ज्यादा लॉस हो रहा है किसको? पीपल को और नेशंस को। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो गया हमारा? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? जो इम्पोर्टेंस होती है केमिकल चेंज की, वो पढ़ी। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस। डिफरेंस किस किस के बीच में पढ़ा? फिजिकल चेंज के बीच में और केमिकल चेंज के बीच में। एट लास्ट हमने टॉपिक आज किया रस्टिंग ऑफ आयरन, की लोहे को जब जंग लग जाता है तो उससे जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है। और कल हम पढ़ेंगे क्या? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, कि रस्ट लगने से लोहे को कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, उसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए। सबसे पहले हमने किया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस। क्या किया था? कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की। फिर हमने स्टार्ट किया हमारा जो मेन टॉपिक है फिजिकल चेंज। क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज करने के बाद हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, फिर हमने करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक की थी। फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में भी हमने क्या किया? बहुत सारे एग्जांपल्स किए, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। फिर हमने किया रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। आज हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एट लास्ट हमने किया रस्टिंग ऑफ आयरन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आपको ये जो भी मैं काम करवा रही हूँ बच्चों, वो अच्छे से पहले तो समझना है। ठीक है, समझने के बाद अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैडम ये समझ नहीं आया, तो मैं और कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाने की इस चैप्टर को। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन में, सॉरी प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में, उसमें क्या करेंगे हम कि कैसे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को, किस किस चीज का यूज करके, पेंट का यूज कर सकते हैं हम, अप्लाई कर सकते हैं ग्रीस की एक लेयर आयरन ऑब्जेक्ट पे, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, एलोइंग की प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों। एट लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी हम पढ़ेंगे अच्छे से बिल्कुल। फिर एक्टिविटी फोर, एक्टिविटी फोर दी गई है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। और फिर दिए गए हैं आपकी बुक में की टर्म्स। की टर्म्स में क्या क्या है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है हमारा, और क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एंड रस्ट, ये सारी प्रोसेस है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फिर इसके बाद हम करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके वर्ड मीनिंग, वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर ब्लैक और ब्लू पेन से अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने हैं। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, फिर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, वो आपको सिर्फ लर्न करने हैं बुक से ही। आपको जो राइट डाउन करना है काम फेयर नोटबुक के अंदर, वो है वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, वो आपको क्या करने हैं? लर्न करने, सॉरी राइट डाउन करने हैं, और बुक वर्क भी करवाऊंगी जो एक्सरसाइज का है, वो आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।